नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं फिर हाजिर हूँ वाल्मीकि नगर में, और मैं आपको नेपाल और भारत के सीमा पे स्थित वाल्मीकि आश्रम को दिखाने जा रहा हूँ। यहीं पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी और लव कुश का जन्म हुआ था और माता सीता ने पाताल लोक धारण कर ली थी। अब हम नेपाल पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है वाल्मीकि आश्रम जो चितवन जिला में पड़ता है। अब यहाँ नेपाली में लिखा हुआ है, नेपालमा हार्दिक स्वागत गच्छो छ, मीन्स नेपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से लगभग 200 मीटर पे वाल्मीकि आश्रम स्थित है।